हाय, हमारे पास आपके लिए काफी एक्साइटिंग न्यूज है। इस फ्राइडे यानी 20 जून से इंडिया शामिल होने वाली है जेपी मॉर्गन के GBIEM ग्लोबल सीरीज ऑफ इंडिसेस में। फ्री इंक्लूजन एक साथ नहीं होने वाला है, इसे 10 मंथ्स की पीरियड में फेजेस में किया जाएगा। शुरुआत के टाइम पर ये 1% वेट से स्टार्ट होगा और फिर 31 मार्च 2025 तक ये 10% के मैक्सिमम वेट तक पहुंच जाएगा। सिर्फ वो बॉन्ड्स जो फुली एक्सेसिबल राउट के अंडर क्लासिफाइड हैं, वही इंडेक्स इंक्लूजन के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब कुछ 28 बॉन्ड्स हैं जो ये इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करते हैं और इनमें से 7.18% ऑगस्ट 33 बॉन्ड का सबसे ज्यादा वेट होगा। इस इंक्लूजन के बाद इंडिया का सिंगल हाईएस्ट ड्यूरेशन होगा अक्रॉस द इंडेक्स एट 7.03 इयर्स और इसके साथ साथ एवरेज यील्ड टू मैच्योरिटी 7.09% की होगी। इफ यू रिमेम्बर सितंबर 2023 में जब पहली बार ये अनाउंस हुआ था तो मार्केट में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट अक्टूबर 2023 से अब तक इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में नॉन रेसिडेंट इन्फ्लोज तकरीबन $8.1 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक जो $20 to $25 बिलियन का इंडेक्स रिलेटेड इन्फ्लो एक्सपेक्टेड था उसका 30 to 40% ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। इंटरेस्टिंगली इस इंडेक्स में इंक्लूजन के बाद इंडिया सेकेंड बिगेस्ट इमर्जिंग मार्केट कंट्री बन जाएगा चाइना के बाद। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस इंक्लूजन की वजह से इंडिया के बोरोइंग कॉस्ट कम होंगे। नाउ इट्स योर टर्न, आप बताओ कि ये स्टेप इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें कोटक सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल को एंड फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। आई एम योर होस्ट इंदु चौधरी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.